हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपको मटर आलू टिक्की चाट बताने जा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है, इसके तो नाम से ही मुंह में पानी आने लगती है। आप बाज़ार में खाते होंगे, घर पर बनाइए खुद और खाइए, काफ़ी टेस्टी लगती है ये रेसिपी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट दिखाते हैं मैं आपको। ये मटर को हमने बॉयल कर लिए है, इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन और नमक डालकर मटर को इस तरह से, और थोड़ा सा हमने सोडा, एक पिंच सोडा डालकर बॉईल कर लिया है मटर को। और देखिए, मैं आलू की टिक्की बनाऊंगी, इसके लिए मैंने दो बॉयल आलू लिए हैं, इसे छील लिया है। थोड़ी सी मैंने अरारोट डालूंगी इसमें, दो आलू में मैं 1 टीस्पून अरारोट डालूंगी। दही, मीठी चटनी, प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, भुना जीरा का पाउडर, वाइट सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट और ये कोरिएंडर लीव्स को बारीक चॉप कर लिया है हमने, हरी धनिया की चटनी, टमाटर बारीक चॉप किया है हमने और ये बारीक सेव हमने ली है, और आलू की टिक्की के लिए हमने रिफाइंड ऑयल ली है थोड़ी सी। तो चलिए पहले चाट बनाने के लिए आलू की टिक्की को बनाते हैं। देखिए, आलू को पहले मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ग्रेट करने से इसमें थोड़े से भी लम्स नहीं रहते हैं, बहुत ही स्मूथ इसका डो बनेगा, इसलिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से भी मसल सकते हैं, लेकिन हाथों से मसलने से थोड़ी सी इसमें लम्स रह जाते हैं। इस तरह से पहले आलू को ग्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें मसाले सारे मैं मिलाऊँगी। थोड़ी सी नमक ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून, अरारोट का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, अब हम इसे, और थोड़ी हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 हरी मिर्च को बारीक हमने चॉप किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, पैन हमने गर्म होने के लिए रख दी है, इसमें 1 टीस्पून हमने ऑयल डाल दी है। ये जब तक गर्म हो रही है, चलिए जो आलू का डो हमने बनाया है टिक्की के लिए, उसकी टिक्की तैयार कर लेते हैं। हाथों में थोड़ी सी ऑयल लगा लेते हैं, उसके बाद इस तरह से एक एक लोई लेकर इस तरह से आप एक एक टिक्की में तरह से बना लेती हूँ। 4 टिक्की हमने बना ली है, ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, तो चलिए इसे टिक्की को सेकते हैं इस तरह से पैन में। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सेक लेना है दोनों तरफ से। टिक्की के ऊपर भी थोड़ी सी ऑयल मैं लगा देती हूँ, थोड़ी थोड़ी ऑयल हम टिक्की के ऊपर भी लगा देंगे, और जैसे ही एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इसे पलट लेंगे। चलिए इसे पलट लेते हैं। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है एक तरफ से, दूसरी ओर से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, और जैसे ही दूसरी तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए, दूसरी तरफ से भी ये हमारी अच्छी तरह से सिक गई है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और मैं आपको अब मटर आलू की टिक्की चाट बनाकर दिखाती हूँ कैसे आपको सर्व करना है इसे। देखिए, टिक्की हमने रख ली है, इसके ऊपर मैं सबसे पहले थोड़ी सी मटर डालूँगी इस तरह से, अब मैं इस पर बाकी की सारी चीज़ डाल देती हूँ। पहले ये जो हमने दही फेंट कर रखी हुई है, थोड़ी सी दही, हरी चटनी, तीखी वाली हरी धनिया की चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, इस तरह से मीठी चटनी थोड़ी सी, भुना जीरा का पाउडर, काला नमक, थोड़ी सी ये
प्याज जो हमने बारीक कट करके रखी है, थोड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर, हरी धनिया, थोड़ी सी हरी धनिया तरह से, लाल मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च को ऐड कीजिएगा। और ये हमारी ये बारीक वाली जो भुजिया सेव है नमकीन, उसे डाल देते हैं। और ये देखिए हमारी आलू मटर की टिक्की चाट बनकर तैयार है, काफ़ी टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। देखिए हमने पापड़ी बनाकर रखी है, पापड़ी को थोड़ी सी इस तरह से क्रश करके हम डाल देंगे। आप पापड़ी की रेसिपी मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, ये खुद हमने घर में तैयार की है। इस तरह से दो पापड़ी को हमने क्रश करके इसमें डाल दिया, ये हमारी आलू मटर की टिक्की चाट बनकर रेडी हो गई है। तो आप एक स्पून डालकर इसे सर्व कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।